नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। फिलहाल जब आपको ये वीडियो मिल रहा है तब शुक्र मेष राशि में है। मेष राशि शुक्र देव की शत्रु राशि मानी जाती है क्योंकि मेष राशि मंगल देव की राशि है। लेकिन 28 मार्च 2020 को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपने खुद की राशि में, अपने खुद के घर में, स्वराशि में, जो कि है वृषभ राशि। शुक्रदेव का खुद की राशि में जाना, अपने खुद के घर में प्रवेश करना, स्वराशि होना, आपके अलग अलग राशियों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है। 28 मार्च से लेकर के 13 मई तक का ये जो वक्त है, 13 मई इसलिए क्योंकि शुक्रदेव 28 मार्च से 13 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। 13 मई के बाद ये वृषभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो ये जो राशिफल है, ये जो भविष्यफल है शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के आधार पर, ये 28 मार्च से 13 मई तक का है। तो ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन आपके अलग अलग राशियों के लिए कैसा जाएगा, कहां पर सौगातें ये राशि परिवर्तन आपके लिए लेकर के आया है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक राशि के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक राशि के बारे में मैं आपको राशिफल भविष्यफल बताता हूं शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के आधार पर। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, धन में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। धन में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, और खास तौर पर यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कोई पार्टनर है तो पार्टनर की तरफ से, उसकी सूझबूझ से, आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा लाभ मिले, ऐसे मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग नए बनेंगे, और यदि ऑलरेडी प्रेम प्रसंग है तो प्रेम प्रसंग को आपके घर या परिवार के द्वारा एक्सेप्टेंस दे दिया जाए और प्रेम प्रसंग में सफलता मिले, ऐसे मुझे योग दिखते हैं। पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नजर आती है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो उत्साह के योग दिखते हैं, खुशी के योग दिखते हैं। भाई वृषभ राशि में ही शुक्रदेव आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, निसंदेह ये वक्त उत्साह, खुशी और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने वाला होगा। जो भी आप कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफल करवाने वाला होगा और आपको खुशी के साथ, सफलता के साथ, उन्नति के साथ बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होगा। तो ये वक्त जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही शानदार है। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो स्थानांतरण ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कर सकता है। खासतौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे यहाँ पर दिखती है। शारीरिक स्वास्थ्य उतार चढ़ाव में हो सकता है, मानसिक तौर पर भी चिंता तनाव की स्थितियां बन सकती है, परिवार से हो सकता है दूर जाना पड़े। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो सुख सुविधाएं, जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है, ऐसी चीजें जो शारीरिक तौर पर आपको खुशी देती है, सुख देती है, ऐसी सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। लाभ के योग है, आय में वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। महंगी वस्तुएं ज्यादा खरीदी आप कर सकते हैं, महंगी वस्तुओं में ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो ठीक है, आप इन्वेस्ट भी करिए जो कि शारीरिक तौर पर भी आपको सुख देगा, मानसिक तौर पर भी आपको सुख देगा। एक उदाहरण के तौर पर, गर्मियों का वक्त है, अभी तक आपके पास एसी नहीं था, अब आप एसी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। महंगी वस्तु है, एसी को एक आज भी लग्जरी आइटम के तौर पर देखा जाता है, जो कि आपको शारीरिक तौर पर तो सुख देता ही है लेकिन मानसिक तौर पर भी आपको अच्छा लगता है। तो इस तरह कुछ महंगी चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि करना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाला विषय नहीं है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करना पड़ेगी, कार्य की अधिकता आपको ज्यादा लगेगी, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको मेहनत ज्यादा ही करना पड़ेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सफलताएं भी आपकी यहाँ पर होंगी, ऐसा ये वक्त मुझे बताता है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो भाग्य में वृद्धि, एक शब्द कहूंगा, भाग्य में वृद्धि। भाग्य में वृद्धि का मतलब ये होता है कि जो भी काम आप करते हैं, करना चाहते हैं, वो काम सक्सेस हो जाए, उस काम में उत्साह के साथ सफलता आपको मिले, कोई भी परेशानी जो है वो आपको ना आए, ऐसा होता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, कोई भी कार्य आप करते हो, तो ओवरऑल आपके भाग्य में वृद्धि, इसका मतलब आपकी सफलताएं, आपकी उन्नति, आपके उत्साह में वृद्धि मुझे दिखती है।
कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो हाँ, आपके चिंता में तनाव में वृद्धि हो सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मेरा ये कहना होगा कि अपने फिजूल की चिंताओं से निकलने का प्रयास करिए, अदरवाइज शारीरिक तौर पर भी आपको समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सिर दुखना, माइग्रेन जैसी समस्याएं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखने की खासी जरूरत है। आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है किसी के द्वारा, हो सकता है परिवार में मतभेद की स्थितियां बने, हो सकता है आप गलत किसी को ना बोले लेकिन किसी ने गलत समझ लेना, ऐसी स्थितियां बने, तो यहाँ पर जो है आपको सोच समझ करके बातें करना पड़ेगा और रिश्तों को संभालना पड़ेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो खास तौर पर अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। हाँ, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए समय ठीक है, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों के लिए वक्त उतना अच्छा नहीं दिखता है। पॉलिटिक्स हो जाए ऐसी स्थितियां भी लगती है, आपके वाणी को गलत ले लिया जाना और उस वजह से कुछ आपके खिलाफ डिसीजन आ जाए, ऐसी स्थितियां भी दिखती है। थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो अलगाव मतभेद के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि ऑलरेडी आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग में खटास हो जाए, दूरी हो जाए, अलगाव हो जाए या फिर प्रेम प्रसंग में धोखा मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। पति पत्नी विवाद के योग भी दिखते हैं। मेरी आपको सलाह यहाँ पर यह रहेगी कि अपनी वाणी पर संयम बरतने का प्रयास करें, ऐसी बातें न बोले जो आपके अपनों को बुरी लगे, अदरवाइज अलगाव, अलगाव का मतलब होता है सेपरेसी, अलग हो जाना, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो खर्च यहां पर आपका ज्यादा हो सकता है, लॉस के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी ना करें, अपने भाग्य को रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में आजमाने का प्रयास अभी के लिए तो कम से कम ना करें, सोच समझ कर निवेश करें, सोच समझ कर कोई भी निर्णय लें। अभी निवेश का मतलब ठीक है, धन निवेश होता है लेकिन समय निवेश भी होता है, कहाँ पर कितना समय देना है, किससे कितनी बात करना है, ये भी एक निवेश है। जीवन का जो मैनेजमेंट है वो सही से करें, चाहे वो आपके समय का मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपके धन का मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपके रिश्तों का मैनेजमेंट हो, स्वास्थ्य का मैनेजमेंट हो, क्या खाना है कितना, ये भी एक निवेश है ना। कितनी मात्रा में हम फैट ले रहे हैं, कितनी मात्रा में हम कैलोरीज ले रहे हैं, कितनी मात्रा में शुगर ले रहे हैं, ये भी एक निवेश है। सही निवेश होगा तो रिजल्ट्स अच्छा होगा, गलत निवेश होगा तो रिजल्ट्स खराब होंगे, तो इसका ध्यान रखिए। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो माइंड जो है वो शार्प होगा, डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगा। खास तौर पर यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में मुझे खासी सफलताएं दिखती हैं, आपकी बात मानी जाए, आपको आगे आने का अवसर मिले, आपको नया कोई प्रोजेक्ट मिले और उस वजह से आने वाला वक्त आपको उन्नति दे, ऐसा दिखता है। हाँ, यदि आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं तो भी आपके लिए मुझे यहाँ पर उन्नति के योग दिखते हैं, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए उन्नति के योग हैं। मगर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए भी एक ही शब्द कहूंगा और वो है भाग्य में वृद्धि। भाग्य में वृद्धि का मतलब ये कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी काम आप करते हैं, जिस भी काम में आपका मन है, जो भी कार्य आपने सोच करके रखा या जिसके लिए भी प्लानिंग करके रखी है, उसमें आपकी सफलताएं हो, ऑल सफलताएं हो, उन्नति हो, खुशी हो, उत्साह में वृद्धि हो और इसी के साथ साथ पारिवारिक स्थिति भी जो है, शारीरिक स्थिति भी जो है, बड़ी अच्छी रहे, मजबूत रहे, तो ऐसा मुझे दिखता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, भाग्य में वृद्धि करवाने वाला है। फाइनली मीन राशि के जातकों के लिए कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करिए, आपकी वाणी को हो सकता है गलत लिया जाए, आपकी बातों को हो सकता है गलत लिया जाए, हो सकता है आपको ये लगे यार मैंने क्या गलत बोला और मुझे गलत ले लिया गया, तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। नियमित अपनी वाणी पर तो संयम बरतने का प्रयास करें और मेहनत ज्यादा भी करें, आपको ये भी लग सकता है कि मेहनत मुझे करना पड़ती है 100 रुपए की, मुझे मिलता है 50 रुपया, तो ऐसी स्थितियां हो सकती है निर्मित, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आने वाला जो समय है वो आपको अच्छा आपके लिए रहेगा, लेकिन ये वक्त थोड़ी सी मेहनत करवा करके और बदले में हो सकता है थोड़ा सा काम आपको मिले, लेकिन ऐसा रहेगा, कोई बात नहीं, मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में, मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या हाल है शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन के दौरान। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें।
आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।